हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज के जो कोण हैं वे अनुपात में दिए गए हैं और हमें इन सभी चारों कोणों के मान बताने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें हमें अनुपात में दी हुई होती हैं उनको हम क्या करते हैं, x में मान लेते हैं। यानी कि जो हमारे ये 3, 5, 9 और 13 अनुपात में हैं उनको हम x से गुणा करके और फिर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जैसे मान लीजिए, यहाँ पर माना चतुर्भुज के कोण, तो दोस्तों यहाँ पर हमें अनुपात में दिए गए हैं, तो हमें जैसा कि पता है कि जो चीज़ें अनुपात में दी हुई होती हैं उनको हम x से गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है हमारा 3, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरा है 5, इसको करेंगे 5 को x से गुणा तो हमारा हो जाएगा 5x। ऐसे ही हमारा तीसरा जो है वो 9x हो जाएगा और चौथा 13x। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सभी को x से गुणा करके इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर कि जैसा कि हमें पता है कि अगर हम 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इन सभी को जोड़े हम, तो हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पर, 360। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, चतुर्भुज के चारों कोण है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसलिए यहाँ पर हम इसका रीजन भी लिख देंगे कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा ये यहाँ तक हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि इन सभी को हम जोड़ देंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, तो ये हमारे कितने आएंगे, 30x बराबर कितना है, 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो ये 360 डिग्री और बटे में ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और ये 12 3 36। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x है उसका मान कितना आया है, 12 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हुआ। अब देखिए, x का मान हमने निकाल लिया, 12 डिग्री है। तो यहाँ से हमें चतुर्भुज के चारों कोण पूछे गए हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे चतुर्भुज के चारों जितने भी है सभी कोण उनको निकालेंगे। तो पहला कोण हमने क्या माना है, 3x, तो यहाँ पर 3x का मान निकालेंगे तो ये होगा 3 गुणा x का मान कितना आया है, 12। तो 3 गुणा 12 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12 3 36। ठीक है, दूसरा कोण हमने क्या माना है, 5x, जो कि हमारा क्या होगा, 5 गुणा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तीसरा हमारा कितना है, 9x, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 9 108 डिग्री। इसी तरह से हमारा चौथा कितना है, 13x, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 12, तो ये हमारा आ जाएगा 156 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने चारों कोणों के मान यहाँ पर बता दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं चतुर्भुज के ये चारों कोण हैं जिनके मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये कोई एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि हमें क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक आयत है। तो इसलिए हमने इसको एक आयत की आकृति का बना दिया है। मान लीजिए इसका हमने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, तो ये हो गए। अब कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो इसके दो विकर्ण कौन से होंगे, ये वाले और एक ये वाला। तो ये हमने दोनों विकर्ण यहाँ पर बना दिए हैं, जो कि क्या हैं, बराबर हैं, ये हमें दिया गया है। तो इसलिए अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो ये समांतर चतुर्भुज है वो कैसा है, एक आयत का आकार का है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ से करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो ABCD है वो क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा हमें क्या इसमें दिया गया है कि जो हमारा AC है वो BD के बराबर है। AC यानी कि ये वाला विकर्ण इस वाले यानी BD के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसलिए हमने इसको लिख लिया है, जो जो हमें यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि जो ABCD है, ये वाला चतुर्भुज, ये क्या है, एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसका अब हल कर लेते हैं।
तो हल में क्या होगा सबसे पहले कि देखिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुजों को कंसीडर करेंगे। एक तो त्रिभुज बी ए डी यानी कि बी ए डी ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज ए बी सी यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज बी ए डी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में हमें तीन कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो पहला कंडीशन देखिए यहाँ पर कि जो हमारा बी डी है वो क्या होगा, AC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमें दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये दिया है AC बराबर BD, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया। अब देखिए दूसरी चीज कि इसमें जो ये AB भुजा है ये क्या है, दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो AB है वो बराबर होगा AB के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि दोनों ही त्रिभुजों में ये आ रही है, कॉमन है। इसके अलावा तीसरी चीज आप देख सकते हैं इसमें कि जो AD है वो BC के बराबर होगा, यानी AD ये वाला जो भुजा है वो इस BC यानी E वाली भुजा के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें कहा गया ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इसलिए इसका रीजन हम दे देंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहां तक हमने किया। अब देखिए यहां पर कि इसमें सर्वांगसमता का कौन सा नियम यूज हो रहा है, देखिए भुजा 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 यानी कि एस 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 सर्वांगसमता नियम द्वारा हमारा जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी ए डी और दूसरा है कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, ये क्या है, आपस में दोनों सर्वांगसम है। तो इस तरह से हमने ये सर्वांगसम सिद्ध किया दोनों को, त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम सिद्ध किया। अब अगर त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज ए बी सी ये आपस में सर्वांगसम है तो इसलिए यहाँ पर जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण बी के, कैसे, सी पी सी टी द्वारा, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सी पी सी टी से ये वाला कोण को हमने इस वाले कोण के बराबर सिद्ध किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वाला कोण है, कोण ए और कोण बी, ये क्या है, दोनों तीरेक रेखा के एक ही ओर बने कोण है, यानी कि एक ही रेखा पर बन रहे हैं ये दोनों कोण है, तो इसलिए यहाँ पर जो कोण ए है प्लस कोण बी है दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि तीरेक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसलिए इसका रीजन दे देंगे कि तीरेक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर किया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है यहाँ से, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए पहले हमने क्या दिखाया, यहाँ पर कोण ए और कोण बी बराबर है, तो इसलिए हम कोण ए की जगह कोण बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, कोण बी लिख देंगे प्लस इसको सेम लिख देंगे, बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से अब देखिए कि कोण बी प्लस कोण बी कितने हो गए, दो कोण बी बराबर 180। तो यहाँ से अब हमारा यहाँ पर जो है कोण B का मान निकालेंगे, तो ये 180 और ये बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ से इसको काटेंगे आ जाएगा 90। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण B का मान कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से किया। अब देखिए यहाँ पर अगर कोण B का मान 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो है हमारा कोण, ये अगर 90 डिग्री है, तो इसलिए ये जो हमारा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज, ये एक आयत के आकार का हो जाता है, क्योंकि आयत में क्या होती है कि सभी जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए हमारा ABCD जो है वो एक आयत के आकार का समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः ABCD एक आयत है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है हमारा ये सिद्ध हुआ कि ABCD एक आयत है, यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल काफ़ी अच्छे से इस वीडियो में समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।